बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा, मगर इसको हिंदुस्तान ने फटकार लगाई। अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसका जवाब देते हुए सफीर अरविंद्रा डीपीआर ने पाकिस्तान को एक बार फिर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने ऊपर ही ध्यान दे। मिस्टर प्रेसिडेंट, बिफोर आई एंड, देयर वाज अ रिमार्क ऑफ हैबिचुअल नेचर बाय वन डेलीगेशन रेफरिंग टू यूनियन टेरिटरीज दैट आर इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ माय कंट्री। आई वुड ट्रीट दीज रिमार्क्स विद कंटेम्प्ट दे डिजर्व and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. ABVP के कारकुनों ने जम्मू में तिरंगा रैली निकाली। वो तमिलनाडु हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जहां एक पुलिस अहलकार ने मुबैना तौर पर चंद तमाशाइयों से हिंदुस्तानी झंडे छीन लिए, जो चेन्नई में ICC वर्ल्ड कप का मैच देखने जा रहे थे। ये रैली जम्मू के ज्वल चौक इलाके से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के करीब इख्तिताम पजीर हुई। रियासती सेक्रेटरी अक्षय बलूरिया और दीगर मुजाहरीन ने कहा कि तिरंगे की बेहुरमती करने वालों को कौम माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मुलव्वस पुलिस अहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नमस्कार, अरमान खजूरिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री। जिस प्रकार वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, वहां पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला गया जिसमें झंडे की तिरंगे की अपमान किया गया, उसको डस्टबिन में फेंका गया वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा दुर्व्यवहार ना सहेगी और ना ही हमें सहने की क्षमता है। तो हमारी DMK सरकार से यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई ली जाए। चेन्नई में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, उस दौरान जो है हमारे जो दर्शक हैं वो भारतीय तिरंगा लेकर के स्टेडियम में जाना चाहते हैं, परंतु सिक्योरिटी चेक के समय पुलिस कर्मी द्वारा उनसे जो है अपना नेशनल फ्लैग ले करके उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो इसी के खिलाफ जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु में प्रदर्शन करती है, तो स्टालिन सरकार द्वारा उनके ऊपर भी अत्याचार किया जाता है और अभी तक उन पुलिस कर्मियों पे कोई भी कार्यवाही स्टालिन सरकार द्वारा नहीं की जाती है। तो विद्यार्थी परिषद ने आज तिरंगे के सम्मान में जो है एक तिरंगा यात्रा जो है यहाँ से निकालने का जो है आह्वान किया है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में जाके खत्म होगी। जब भी तिरंगे का अपमान हुआ है तो विद्यार्थी परिषद सामने आई है, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु। सयाहत जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया है। हजारों लोग इस शोबे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। बदकिस्मती से भलीसा में बहुत सी खूबसूरत जगहें अभी तक मुतलकीन की नजरों से ओझल हैं। बाजधर, जतरून धर, लखन टॉप, बर्मी टॉप जैसे मकामात में सयाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। ये पोशीदा जवाहर मकामी, घरेलू और बेलाकामी सयाहों को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ तवज्जो करा सकते हैं अगर यहां सही बुनियादी ढांचे और दीगर तरक्की पर तवज्जो दी जाए। एक सयाहती स्टॉप के तौर पर इसकी तरक्की में मकामी नौजवानों के लिए रोजगार भी पैदा किया जा सकता है। इससे खिते के समाजी और इकतसादी मंजरनामे को फरोग मिलेगा। मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में फंड्स के अलावा वक्त लग सकता है। सबसे बढ़कर ये कि मनसूबाबंदी और अमल दरामद की जरूरत है। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर खसूसन भलीसा और चिनाब की वादी को एक अहम आलमी मकाम बनाने के लिए फौरी तौर पर सयाहती पॉलिसी लाने की जरूरत है। इन इलाकों को इग्नोर किया गया है जो पिछली सरकारें हैं, यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद साहब इस इलाके के हैं, लेकिन वो भी इस इलाके को टूरिज्म के अंडर लाने में नाकाम रहे। इतनी नेचुरल जगहें हैं, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, यहाँ लोग बहुत जब आते हैं तो बड़ा उनको सुकून मिलता है, बड़ी खुशी होती है। मैंने पूरी रियासत में जो है पूरे कश्मीर का भी दौरा किया, लेकिन जैसे कश्मीर में गुलमर्ग है और वहाँ सियाहती मकाम जितने भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये इलाका उन इलाकों से कम है, उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हमको लगा। मैं ये गुजारिश करता हूँ LG इंतजामिया से कि इस हमारे भले इसके बाशधार वाले इलाके को जो है टूरिज्म के अंडर जो है इसको प्रमोट किया जाए, यहाँ टूरिज्म आता है। इस जगह से चारों तरफ दिखाई देता है, इधर से कश्तवाड़ भी दिखाई देता है, भद्रवाह भी दिखाई देता है और जो हिमाचल की बाउंड्री भी दिखाई देती है, पूरा विलेज दिखाई देता है। लेकिन इस जगह को भी गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही है, ये जगह बाजदार है, लेकिन पूरी विलेज में हमारे ऐसे ही
स्पॉट हैं कि अगर इन स्पॉटों पे देखा जाए एलजी गवर्नमेंट अगर किसी टीम को या डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब को या किसी को भी बोले कि जाओ यार विजिट करो तो ये हमारी जगह की जैसी कोई जगह कोई नहीं सर, नेचुरली ये खूबसूरत ये जगहें जो हैं लेस एक्सप्लोर्ड हैं बट फुल ऑफ ब्यूटी फुल ऑफ ग्रीनरी हैं। जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट इन जगहों को जम्मू कश्मीर टूरिज्म मैप में लाके रियासत और बैरूनी रियासत के लोगों को यहां आने का मौका दें और इसका लुत्फ और वो लोग इसका लुत्फ उठाएं। सैदी मकाम गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म सरमाई खेलों और दीगर सरगर्मियों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महकमे सियाहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने गुलमर्ग में इन तमाम तैयारियों का जायजा लिया। आबिद रशीद का कहना है कि 1947 के बाद पहली बार इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने कश्मीर की सैर तफरी की। अब 2 करोड़ से ज्यादा सयाहों के कश्मीर आने की उम्मीद है। इसमें सर फहरिस्त गुलमर्ग है। इसको देखते हुए आबिद रशीद ने बर्फ हटाने के मनसूबे और सड़क राबते पीने के पानी की फराहमी ढलवानों की हमाहंगी और इसके साथ साथ निगरानी और सिक्योरिटी के काम सयाहों के लिए तिब्बी सहूलियात और बुनियादी सहूलियात का ऑडिट करने और भारी बर्फबारी की वजह से पैदा होने वाली किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए जवानों और मशीनरी को तैयार रखने की हिदायत जारी की। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म उरूज पे है। लास्ट ईयर हमारे सबसे रिवायती जो जब भी 1947 से हाईएस्ट नंबर्स थे 1,80,00,000। इस बारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2 करोड़ से बहुत ज़्यादा तजावज़ कर जाएगा फिगर। हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस विंटर में टूरिस्ट रश बहुत हाई होगा, नंबर्स बहुत हाई होंगे और उस सब की तैयारी में खा वो रोड क्लियरेंस हो, खा वो स्कीम की तैयारी हो, स्नो बेटिंग हो, खा वो मशीन्स प्रोक्योर करना हो या मशीन्स की मेंटेनेंस अपग्रेडेशन हो या वो गंडोला के रिलेटेड जितने भी स्ट्रीमलाइनिंग के मामलात हो उन सब पे इलैबोरेट रिव्यू किया गया। और मैं खुशी से आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने पाया कि तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। मैंने कोई अहकाम जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ पे अगर इनकेस कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और बेहतर करने की ज़रूरत है, वो किया जाए। जब यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा शदीद होती है तो वहाँ रोड जैम्स होते हैं, उसका ख़ास ध्यान रखा जाए। नंबर 2 ये कि वहाँ पे स्नो क्लियरेंस का इस तरह का एक रोबस्ट स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म हो जिसकी पहले ही तैयारी की गई हो। बांदीपुरा में झील बुलुर के इर्द गिर्द पहले मरहले के तहत नॉन मोटरेबल वॉकवे तामीर करने का सिलसिला जारी है। अब वॉकवे का दूसरा मरहला शुरू करने के लिए भी तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का अमल शुरू होने वाला है। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना था कि झील में जारी तरक्याती कामों के हवाले से मुनक्किस सालाना मीटिंग के दौरान कई सारे अहम फैसले लिए गए। झील की शान रफ्ता बहाल करने के साथ साथ वुलुर के इर्द गिर्द कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि न सिर्फ वुलुर में सियाहती सरगर्मियां और वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जा सके बल्कि वुलुर के इर्द गिर्द आबाद इलाकों में लोगों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो सके। ये एक खुशाइन कदम है कि डल झील की तरह वुलुर में भी वुलुर लुलवा रोड के तर्ज पर जो वॉकवे बनाया जा रहा है तो ये बांदीपुरा आम के लिए एक मसरत की बात है। और साथ ही इससे जो हमारा यहाँ टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट हमारा यहाँ बूस्ट हो जाएगा, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और साथ ही जो एशिया का सबसे बड़ा झील वुलुर है इसकी शान रफ्तार में और इजाफा हो जाएगा। अभी वुलुर की जो मीटिंग रहती है एनुअल मीटिंग वो हुई थी और उसमें जो हमारा वॉकवे है जो बन रहा है उसमें फर्दर फंडिंग की बात की है और आगे जो नेक्स्ट जो फेज है उसका डीपीआर भी बनाया जाएगा जिसमें ये कोशिश ये है कि हमारा जो पूरा वुलुर है इनसर्कल हो सके वॉकवे से ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन बने, एक जगह बने जहां पे टूरिस्ट चल सके, लोकल लोगों के लिए भी जगह बनेगी और साथ ही साथ में इन वॉकवे में जगहें बनाई जा रही हैं जहां पे लोकल हैंडीक्राफ्ट या लोकल प्रोड्यूस को बेचने के लिए भी स्टॉल्स बनाए जाएं तो उसके ऊपर डीपीआर आगे बनाया जाएगा, आगे उस पर भी काम होगा। और उसी के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स को लेके कुछ हमने वहां पे प्रपोजल्स रखे हैं, मुझे लगता है वो भी जल्द ही अप्रूव होंगे और यहां पे बड़े अच्छे नेशनल लेवल के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर आ जाएंगे।
31 अक्टूबर को यूटी के योम तासीस के सिलसिले में लद्दाख के मुख्तलिफ स्कूलों से मुंतखब करदा 2 से ज़ायद तलबा लद्दाख के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मुल्क भर के मुख्तलिफ राजनिवास और राजभवन का दौरा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की पहल पर ये तलबा परफॉर्म करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वो पहली बार लोक मौसीकी सीख रहे हैं और लद्दाख की नुमाइंदगी करने के लिए पुरजोश है। लद्दाख कल्चरल एकेडमी करगिल के डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर हुसैन ने कहा कि यह पहल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की तरफ से की गई और तलबा को इस तरह के दौरे के जरिए अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और वो तलबा को लोकगीत रक्स और गाने की तरबियत दे रहे हैं। हमें यहाँ पे मतलब एक टूर स्कूल की तरफ से सेलेक्ट किया गया है। सारे स्कूलों से यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिस करवाया जाता है। कोपों सिखाया जाता है, सिंगिंग सिखाया जाता है और डांसिंग सिखाया जाता है। यहाँ यूटी फाउंडेशन डे मनाने बाहर स्टेट्स में जा रहे हैं तो उस चीज़ को लेके हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं। लाइक कोपुंग हम सीख रहे हैं और इससे पहले हमने कभी ना देखा था ना ही बजाया था। और हम यहाँ पे डांस सीख रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं एंड हम द्रास से तो मतलब हमारे लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है इनकी डिफरेंट है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है बाहर जाना है, अपने लद्दाख को रिप्रेजेंट करने जाना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले कभी हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हम बाहर स्टेट्स में जाके अपना कल्चर दिखाएं लोगों को। सर, ये लद्दाख के बच्चे दराज से लेके यहाँ चंगथांग से हर रीजन से यूटी फाउंडेशन के दिन यहाँ लद्दाख को रिप्रेजेंट करने का ही जगह जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ऑनरेबल ओलजी एलजी साहब ने एक इनिशिएट लिया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो 31 अक्टूबर है लद्दाख यूटी फाउंडेशन डे है तो ये जो सेलिब्रेशन है वो हिंदुस्तान की हर एक स्टेट में हर एक राजभवन राजनिवास में मनाने के लिए एक इनिशिएट लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पिछले साल से एक इनिशिएट लिया कि जो भी स्टेट होगा या यूटीज होगा उनका सेलिब्रेशन जो उनका फाउंडेशन डे वो हर एक स्टेट को मनाना है। तो इसी सिलसिले को घड़ी को आगे लेते हुए कि बहुत प्यारा इनिशिएटिव हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने लिया है तो इस बार पहली बार है हमने ले करगिल से दोनों जगह से स्कूल की जो कॉलेज हाई सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं इनको सेलेक्ट किया है। उनको एक महीना हो गया ट्रेनिंग देकर और खुशी से यहाँ 15 डेज का एक अलग सा वर्कशॉप की तरह उनको यहाँ पर रखा है। बेहतरीन इंतज़ाम कोशिश किया है लद्दाख कल्चरल अकेडमी की तरफ से और दो इंडोर स्टेडियम है, लेह में एक यहाँ पर है, एक ऊपर है, एक नवास्तन का जो है उसमें बच्चों को लड़कियों को रखा है और जो ऊपर वाले पुलोवरों के साइड उनको लड़कों का वहाँ प्रैक्टिस चल रहा है। तो एक सुबह से लेकर शाम तक उनको हमारा जो जुमलू है ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग वो सिखा रहे हैं, हमारा कोपोंग जो ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो सिखा रहे हैं, उनकी उनको रहने का बैठने का खाने का तरीका सिखा रहे हैं क्योंकि दे आर द एम्बेसडर। वो लद्दाख के से यहाँ से 28 या 29 को सब रवाना होंगे हर एक स्टेट में, चाहे आप मुंबई में जाएंगे, कोई दिल्ली में, कोई वेस्ट बंगाल में, कोई आसाम में, कोई त्रिपुरा में। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएट है एलजी साहब का और सबसे पहले ये कहे कि जितने भी हमारे बच्चे हैं लड़के लड़के उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा इनिशिएट है और बच्चे किस्मत वाले भी हैं कि इतनी एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को तो बहुत ही अच्छा है। मैं सोचता हूँ आने वाले दौर में इस तरह से एक्सपोजर टूर अगर मिले बच्चों को तो बहुत दुनिया देखने को उनको मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रामलीला जो रामलीला क्लब की तरफ से जिला सनातन धर्म सभा के ताउन से पुंछ नगर के गीता भवन में मुनक्किद की जा रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये इवेंट 3 दिन तक जारी रहेगी। पुंछ की रामलीला में हनुमान का आसमान पर उड़ना, लंका जाना, सीता माता को लंका में ढूंढना, अशोक वाटिका को तबाह करना, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मारना, हनुमान की दुम को आग, हनुमान का अपनी जल्दी दुम से पूरी लंका को जलाना, फिर आसमान से लौटना और समंदर की दूसरी तरफ श्री राम के पास आना काफी सनसनीखेज था। पुंछ में इन दोनों शदीद सर्दी के बावजूद रामलीला को लेकर लोगों में इन दिनों जबरदस्त जोश खरोश देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हर रात बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा होते हैं। हनुमान जी का लंका में जाना और जिस प्रकार का यहाँ से हनुमान जी को उड़ाया गया ये एक बड़ा रोमांचकारी दृश्य था और एक अनोखे
प्रकार का प्रयोग था। वास्तव में ही लग रहा था कि हनुमान जी जो हैं हवा में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं और वहाँ पर लंका दहन करके वहीं से वो उनका वापस आना एक बहुत बड़ा दर्शकों के लिए एक बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय था। इस तरह से यहाँ से ऊपर दूर तक जाना और वापस आना बहुत अच्छा लगा और मैं यही चाहता हूं कि हर बार मैं इस तरह का रोल करूं और जिस तरह से रामलीला यहां पर होती है और सभी धर्मों के लोग यहां देखने के लिए आते हैं तो लोगों को तो अच्छा लगता ही लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से अर्निया के रेड रोज स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। इस मौके पर सरहदी इलाकों के खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एडीसी जम्मू, एसडीएम गाड़ीगढ़, बीडीओ अर्निया और दीगर लोग मौजूद थे। अलग अलग तरीके की स्पोर्ट्स यहाँ पे खेली जा रही हैं। लोकल यूथ यहाँ का है जो मैं कहूँगा कि आर्मी के साथ भी खेल रहा है। सी डाइट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी खेल रहे हैं और आज कबड्डी का यहाँ पे चल रहा है मतलब मैच, उसके साथ ही वॉलीबॉल का भी है, बैडमिंटन का भी है। तो इन सभी में जो मतलब बच्चे अच्छे उभर के आएंगे, ये तीन मैं कहूँगा दिवसीय प्रोग्राम है, ये परसों कल्मिनेट हो जाएगा ब्लॉक मढ़ में और सब डिवीजन लेवल के प्रोग्राम से बेसिकली और वहाँ पे जाके इनको फेलिसिटेट किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। रियल एस्टेट अब आ चुका है सजा। अतीक अशरफ मर्डर केस में आज तीनों शूटर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। प्रयागराज जिला जज की कोर्ट चार्जशीट के आधार पर तय करेगी आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज बड़ी बैठक। दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी करेगी मंथन। अमरोहा में संदिग्ध हालात में दंपत्ति की मौत। घर में ही फंदे पर झूल कर की आत्महत्या। 3 महीने पहले ही की थी लव मैरिज। स्वच्छ भारत अभियान के सिलसिले में बीएसएफ के द्वारा फ्रीडम रन का किया गया आयोजन। बीएसएफ के 79 बीटीएन ने 3 किलोमीटर लंबी फ्रीडम रन में लिया हिस्सा। राजौरी जिले के नौशेरा उपमंडल में नियंत्रण रेखा के पास डींग गांव में आयोजित हुई कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें पहली बार लड़कियों ने लिया हिस्सा। जहां देश भर में दशहरे के दिन रामलीला का मंचन हुआ संपन्न, वहीं पुंज नगर के गीता भवन में रामलीला क्लब द्वारा आयोजित रामलीला अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। बारिश के चलते 3 दिनों तक रामलीला का नहीं हो पाया था मंचन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ पुलिस ने यूनिटी रन के बैनर तले एक तकरीब का इनेकाद किया। मुल्क के बहादुर जवानों और कौम के लिए अपनी जान निछावर करने वाले जवानों के एजाज में इसका इनेकाद किया गया। इस तकरीब ने न सिर्फ उनकी लगन और कुर्बानी को याद किया बल्कि कम्युनिटी के अंदर इतिहाद और हुबुल वतनी को भी फरोग दिया। इसी तरह की तकरीबात थानों की सतह पर भी मनाई गई। हम 10 दिन पूरे सर्व कर रही है और उसमें हर रोज कोई ना कोई इवेंट चल रहा है और आज जो हमारा इवेंट है इसमें था यूनिटी रन। तो सभी लोग और यहाँ के फोर्सेस के लोग मिलके एक अवेयरनेस कैंपेन चला के सो एज टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद द मार्टर फैमिलीज और उन लोगों को ये एक एहसास दिलवाएं कि हम आपके साथ हैं और भाईचारा और ब्रदरहुड को मेंटेन रखते हुए हमारी तरफ से ये भी पैगाम है। नौजवानों में इतिहाद का जज्बा पैदा करने और मंशियात के इस्तेमाल के बारे में बेदारी फैलाने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने भद्रवाह में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। दौड़ में 100 तलबा ने अमन का पैगाम देने और सेहतमंद जिंदगी को अपनाने के लिए हिस्सा लिया। एसपी भद्रवाह और एडीसी भद्रवाह ने झंडी दिखाकर एसपी ऑफिस भद्रवाह से मार्च का आगाज किया और वापस एसपी ऑफिस भद्रवाह में खत्म पजीर हुआ। आज मेरी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई है जो कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी यही अपील रहेगी गवर्नमेंट से जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा है,
खास करके इनसे कि ये हर साल हर महीने में एक बार कराया जाए ताकि बच्चे जो है ड्रग से दूर रहे और इसकी तरह मतलब रन या स्पोर्ट्स में ज़्यादा मतलब एडिक्ट हो, बच्चे इसमें ज़्यादा आ जाए और ड्रग्स की तरह ड्रग से दूर रहें, ड्रग से दूर रहेंगे, टैरिफ से दूर रहेंगे, बुरी आदतों से दूर रहेंगे तो इसकी तरफ स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्स आती है सर, फर्स्टली एक गोल अचीव करने का सर ये पॉजिटिव आती है कि गोल अचीव कैसे करना है, जैसे कि हम यहाँ से दौड़े आगे क्या नाम बोलते हैं 0 पॉइंट तक, तो एक गोल था मेरा कि ये जो ट्रॉफी पीछे है कि इस ट्रॉफी को जीतना है, एक गोल था, तो इससे गोल अचीव होता है और पॉजिटिवनेस पैदा होती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एम्बेसडर बनाकर रन फॉर यूनिटी, प्यार मोहब्बत इतिहाद एकता का पैगाम हम पूरे भद्रवाह के अंदर फैलाएं और ड्रग अब्यूज से बचने के लिए भी ये रन जो है करवाया गया, ये मुझे लगता है कि बहुत ही कारगर है। स्टूडेंट्स जो एक पॉजिटिव सोच लेकर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं उन तक ये मैसेज इनकल्केट करने की कोशिश की जा रही है। स्पोर्ट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही है आजकल, जिस हिसाब से आजकल की यूथ जनरेशन है, इस हिसाब से हमको फिट रहना चाहिए। ये एक मैसेज दिया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से कि हमें एक तो ड्रग से दूर रहना चाहिए और हमें हमारे हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक मैसेज दे यहाँ पे भद्रवाह के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं और एक तरह से मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी में सबको कि किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं बुरी आदतें हैं उनसे दूर। लगभग 100 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, डिफरेंट जो स्कूल थे हमारे सिटी भद्रवाह के उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा मकसद है कि जिस तरह से सक्सेसफुली ये हम कर रहे हैं वैसे ही आने वाले समय में और भी इससे बड़े प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे। बीएसएफ 79 बटालियन की जानिब से स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक रैली का इनेकाद किया गया। श्री दुधाधरी आश्रम राजौरी से रैली निकाली गई, साफ और सफाई की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। बीएसएफ जवानों और अफसरान ने इसमें हिस्सा लिया, 3 किलोमीटर तक की रैली निकाली गई, सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने भी इसमें शिरकत की। पूरी यूनिट की तरफ से किया गया है, जैसा कि मोदी जी का एक प्रोग्राम है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस प्रोग्राम के तहत ये मंदिर में पहले भी 79 बटालियन के सारे रैंक्स वाले आए थे, सफाई करके गए थे, आज फिर दोबारा से इन्होंने रन फॉर रखा है इसके सफाई के लिए, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है जिसमें हमारे सरपंच साहब हैं, रोहतरा साहब हैं, बाकी ये 79 बटालियन की तरफ से हम आज स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत इस मिशन के तहत हम यहाँ पे सभी एकत्रित होते हैं और यहाँ पे हम अपनी एक पैदल का 3 किलोमीटर का मार्च करेंगे और इसी में हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े जोश से और बड़े उल्लास से और इसमें हम भाग ले रहे हैं। फ्रीडम रन का आयोजन 79 बटालियन बीएसएफ की तरफ से किया गया। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो सुबह सुबह उन्होंने इस दौड़ में जो है वो हिस्सा लिया और 3 किलोमीटर लंबी दौड़ का ये हिस्सा बने। इसका मकसद यही है कि स्वच्छता को यहाँ पर फैलाया जाए, यानी स्वच्छता का पैगाम जो है वो जन जन तक पहुँचाया जाए और लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि किस तरह से वो स्वच्छता का जो स्वच्छता जो है वो रखें। इसी मकसद को लेकर जो है फ्रीडम रन 79 बटालियन बीएसएफ की तरफ से की गई। यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है मेरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने आज इस दौड़ में जो है वो हिस्सा लिया। न्यूज 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। जेकेएनएच लाइव में फिलहाल इतना ही, पर बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।